नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों, आज तारीख है 26 जुलाई 2020 और पिछले 24 घंटे में जारी की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस की जानकारी हम डेली आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूंगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन से, जो कि आ रही है टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि TMC की तरफ से, जहां पर नर्सेस, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि जारी की गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM, डिप्लोमा इन नर्सिंग, अगर आपने 12th के साथ 6 महीने का डिप्लोमा किया हुआ है कंसर्न फील्ड से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपये से स्टार्टिंग है, साथ में अलाउंसेस अलग से होंगे। महाराष्ट्र इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, हालांकि कुछ वैकेंसीज के लिए 40 साल भी एज लिमिट रखी गई है। और 12 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट की तरफ से आ रही है। कार ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, कल देर शाम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 19,900 CPC 7 लेवल 2 की यहाँ पर ऑफर की जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। हैदराबाद इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है और 18 से 27 साल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रखी गई है, हालांकि कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 19 अगस्त 2020 तक ऑफलाइन माध्यम से आपके एप्लीकेशंस के बाई पोस्ट पहुँचने की लास्ट डेट है। इंडो दानिश टूल रूम की तरफ से रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। बीटेक या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो यहाँ पर महीने का दिया जाएगा वो 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। लोकेशन रहने वाली है जमशेदपुर। 2017 से 2020 तक के पास आउट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज सच कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके लिए सिंपली वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, 24 अगस्त 2020 को ये वॉक इन है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी बिल्कुल हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिग्री और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड से डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,000 से 30,000 रुपये यहाँ पर इनिशियली सैलरी ऑफर की जा रही है। याद रखें दोस्तों, अलाउंसेस अलग से होंगे तो अमाउंट आपको सैलरी के रूप में इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे रीजन इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18 से 33 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशंस देखने को मिल जाएंगी। लास्ट डेट की बात करें तो 22 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डिफेंस की तरफ से। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट की जा रही है हमीरपुर में सोल्जर्स की पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी यहाँ पर इनिशियली ऑफर की जाती है लेवल 3 की। ऑल इंडिया इसमें आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहती है, हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। 17.5 से 23 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है और 20 सितंबर 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असम सेक्रेटरेट यानी कि असम सचिवालय की तरफ से रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इनिशियली 14,000 से लेकर के 49,000 का पे स्केल दिया जा रहा है, अलाउंसेस अलग से होंगे। असम इसमें इनिशियली जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18 से 38 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशंस देखने को मिल जाएंगी। 31 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट की तरफ से ही आ रही है। MTS और पोस्टमैन्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए 10th और 12th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के जुड़े हुए कैंडिडेट्स ही इसके लिए आवेदन करें क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की ही ये वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 25,500 से इनिशियली सैलरी ऑफर की जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। हरियाणा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 30 जुलाई 2020 तक
इसके लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहूँगा दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रही है। आपको अगर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखनी है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ब्यूरो की तरफ से रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जहां पर सेल्स पर्सन और पैकर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अभी स्पेसिफाई नहीं की गई है नोटिफिकेशन में। तमिलनाडु इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 5 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी वैकेंसीज की जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया है, ये पिछले 24 घंटे में जारी की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है और इन सभी के लिंक आपको सीक्वेंस नंबर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे, जहां पर जाकर के दोस्तों आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से देख लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।